घोरा तहसील को टीकमगढ़ जिले में शामिल और बक्सवा को दमोह जिले में शामिल करने की स्थानीय लोगों की मांग और घोरा तहसील को टीकमगढ़ जिले में शामिल करने को लेकर टीकमगढ़ के पूर्व विधायक माननीय राकेश गिरी ने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को पत्र लिखा। हम पत्र को बाद में दिखाएंगे, पहले हम बक्सवाहा और घोरा क्षेत्र और इसके अंतर्गत वर्तमान जिले को लेकर बात करते हैं। बक्सवाहा व घोरा तहसील क्षेत्र के गाँव की दूरी जिला मुख्यालय से अधिक होने के कारण यह नजदीकी जिलों में शामिल होना चाहते हैं। टीकमगढ़ की दूरी कम, छतरपुर जिले की सीमा पन्ना दमोह सागर और टीकमगढ़ से जुड़ी है, वही एक और उत्तर प्रदेश का महोबा जिले की सीमा लगा है। अगर छतरपुर जिले का परिसीमन किया जाता है तो घोरा तहसील क्षेत्र के लोग टीकमगढ़ जिले में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं, क्योंकि घोरा से जिला मुख्यालय की दूरी 85 किलोमीटर है, वहीं टीकमगढ़ घोरा से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी घोरा के लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसी तरह बक्सवा ब्लॉक से जिला मुख्यालय की दूरी 100 किलोमीटर है, जबकि दमोह मुख्यालय से यहाँ की दूरी महज 55 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय से दूरी 150 किलोमीटर तक। छतरपुर का नक्शा परिसीमन के बाद बक्सवाहा दमोह व घोरा टीकमगढ़ में शामिल हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया। मध्य प्रदेश में संभाग जिलों और तहसीलों का सीमांकन नए सिरे से किए जाने के लिए सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है, जिसमें 3 सदस्यीय टीम शामिल होगी। आम लोग इस आयोग को अपने क्षेत्र की प्रशासनिक संरचना को लेकर सुझाव दे सकेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बयानों में कहा था कि कई टोले मजरे और पंचायतों के लोगों को जिला संभाग तहसील विकास खंड जैसे मुख्यालयों तक पहुंचने के लिए 100 से 150 किलोमीटर का चक्का लगाना पड़ रहा है, जबकि ऐसे क्षेत्रों से दूसरे जिले संभाग विकास खंड और तहसील मुख्यालय नजदीक है। माननीय पूर्व विधायक राकेश गिरी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और कहा, छतरपुर जिले की घोरा तहसील को टीकमगढ़ जिले की सीमा में जोड़कर टीकमगढ़ जिले का पुनर्गठन करने वाला, और आगे लिखते हैं, टीकमगढ़ जिले की तहसील बड़ागांव दसान के सीमावर्ती तहसील घोरा जो वर्तमान में जिला छतरपुर अंतर्गत आती है। तहसील घोरा जिला मुख्यालय छतरपुर से 80 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। घोरा तहसील वासियों को जिला स्तरीय व शासकीय एवं न्यायालयीन कार्यों हेतु 80 किलोमीटर दूर छतरपुर आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टीकमगढ़ जिला मुख्यालय की दूरी कम होने की वजह से अपनी सुविधानुसार अधिकांश घोरा तहसील वासी उपचार एवं अन्य मूलभूत आवश्यकताओं जैसे हाट बाजार से खरीदने करने के लिए टीकमगढ़ आते जाते हैं। अतः जनहित व जन सुविधा की दृष्टि से छतरपुर जिले की तहसील घोरा को टीकमगढ़ जिले की सीमा में जोड़कर टीकमगढ़ जिले का पुनर्गठन करने का कष्ट करें। अगर घोरा तहसील को टीकमगढ़ जिला में शामिल किया जाता है तो लोगों को कई सुविधाएं मिल सकती हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग अपने अपने विचार रख सकें। दोस्तों नमस्कार।